हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, जहां पर हम बात करते हैं फैशन, लाइफस्टाइल और वुमेन हेल्थ केयर के बारे में। आज की जो वीडियो है, इसमें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूं। मेरी जो प्रेगनेंसी मैंने गेन करी है वो मैरिज के आफ्टर 5 ईयर्स बाद मुझे प्रेगनेंसी हुई है। तो उसके बीच में मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट करा है और किस टाइप से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और क्या क्या इसमें मुझे दिक्कतें आई, जिसकी वजह से काफ़ी मेंटली स्ट्रेस भी मुझे रहा है और कई बार बहुत हताशा सी हो जाती थी। और जो मैं जॉब करती थी वो जॉब भी मैंने स्किप करी, क्योंकि बाहर जब जॉब करते हैं तो ट्रैवलिंग होता है, और मैं पहले मुंबई में रहती थी तो वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी, लोकल ट्रेन्स, ऑटो। तो हो सकता है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो भी गई तो उसके बाद मुझे कुछ दिक्कत आ जाए, तो इसकी वजह से मुझे अपनी जॉब भी स्किप करनी पड़ी थी। बट इट्स ओके, अब मेरी 1 ईयर की बेबी है तो आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट। तो मैं आपको बताती हूँ कि स्टार्टिंग कैसे हुई थी इस फुल जर्नी की। मुझे कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे जब हम डॉक्टर से कंसर्न करते थे तो हमें आगे की प्रोसेस पता पड़ती थी। कई बार ऐसा भी हुआ है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस टाइप से स्टेप बाय स्टेप आपको कंसीव करने की प्रोसेस की तरफ जाना चाहिए, बट कई बार ऐसा हुआ है कुछ डॉक्टर्स डायरेक्ट ही बीच की प्रोसेस को स्किप करके एक कॉस्टली प्रोसेस के बारे में हमें कंसिडर करने को बोल रहे हैं कि नहीं, आपका तो इससे हो ही नहीं पाएगा, छोटी स्टेप्स पर आपका ओनली टाइम वेस्ट होएगा, उससे अच्छा है कि आप एक बड़ी प्रोसेस पे जाइए और आप बेबी कंसीव कर लेंगे, उनका ये कहना था। बट मैं बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए भी काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह और डाइट प्लान को फॉलो करती हूँ, तो मुझे वो ट्रीटमेंट बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहे थे। तो मैंने फिर अपना डॉक्टर चेंज किया, और जब दूसरे डॉक्टर से मैंने कंसर्न किया तो उन्होंने हमें ऑप्शंस दिए, उन्होंने हमें हर तरह की चीज़ें कंसिडर करते हुए ऑप्शंस दिए। तो जो भी आपको ऑप्शन चूज़ करना है, आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है वो आपके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं, उनका ये कहना था। तो मुझे काफ़ी जेन्युइन लगा और काफ़ी सही भी लगा उनका कहना। तो उस अकॉर्डिंग मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही। नॉर्मल सी बात, जब मैं कंसीव करना चाह रही थी तो हम वही नॉर्मल प्रोसेस, हमने डॉक्टर वगैरह को किसी को नहीं दिखाया था, हम नॉर्मल ट्राई कर रहे थे। हमने एटलीस्ट फर्स्ट टाइम ही जब ट्राई किया था तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, और वो प्रेगनेंसी मुझे डिटेक्ट होने में काफ़ी टाइम लग गया। तो जो मेरा नॉर्मल पीरियड साइकिल है उसके 15 दिन ऊपर होने के बाद मुझे पॉजिटिव साइन मिला, जब मैंने नॉर्मल घर पे किट से प्रेगनेंसी टेस्ट किया था तो उसमें पॉजिटिव रहा। बट उसमें जो लाइन आई थी वो बहुत ही लाइट रेड कलर की थी, तो मुझे लगा कुछ तो शायद दिक्कत है इस प्रेगनेंसी में। तो हमने डॉक्टर को कंसर्न किया और उन्होंने बताया कि प्रेगनेंसी सही नहीं है, तो मे बी आगे ग्रोथ कर पाएगी या नहीं। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन हमें प्रोवाइड करी और आगे उसके लिए कि नॉर्मल आप प्रेग्नेंट हो तो उस अकॉर्डिंग आप अपना डाइट प्लान रेडी रखिए और अपने एक्टिविटी को उस अकॉर्डिंग कीजिए। तो हमने वो सब फॉलो किया, बट जब नेक्स्ट डॉक्टर ने हमें बुलाया था हम तब गए, तो उन्होंने कहा बच्चे के हार्ट बीट नहीं आए हैं, बेबी के हार्ट बीट नहीं आए, इस टाइम तक हार्ट बीट आ जानी चाहिए थी। फिर उन्होंने मुझे टोटल बेड रेस्ट का बोल दिया था कि आप बिल्कुल बेड रेस्ट कीजिए। तो मैंने 1 वीक तक बेड रेस्ट भी किया, बट जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि उसकी बेबी की ग्रोथ नहीं है, तो आपको DNC करा लेनी चाहिए, आपको क्लीनिंग करा लेनी चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग उस टाइम पे मैंने क्लीनिंग करवा ली थी। फिर उनका सजेशन था कि आप 3 मंथ्स तक रेस्ट कीजिए, क्योंकि बॉडी वीक होती है। नॉर्मली जो ये DNC हो करवाने पड़ते हैं, जैसे हार्ट बीट नहीं आती है बच्चों की तो फिर वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं बच्चे, उस वजह से भी जो वुमन बॉडी है वो वीक होती है, काफ़ी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम आती है। तो DNC मेरी ऐसे कंप्लीट हो गई थी। तो फिर हम उसके बाद हम जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने 3 मंथ्स का हमें गैप लेने को बोला, देन उसके बाद हम ट्राई करेंगे, उन्होंने ऐसा बोला। तो 3 मंथ्स के बाद फिर कुछ मेडिसिन थी जो उन्होंने हमें प्रोवाइड करी और उसके अकॉर्डिंग हम नॉर्मली ट्राई कर रहे थे। तो नॉर्मली ट्राई करते करते भी फिर कंसीव नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने हमें मेरे कुछ ब्लड टेस्ट करे थे, थायराइड के जो टेस्ट है और बाकी जो टेस्ट हैं वो किए थे उन्होंने, सब कुछ नॉर्मल था। तो फिर उन्होंने हमें फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए कंसिडर किया, जिसमें एक जो
एग होता है उसकी ग्रोथ को देखा जाता है, तो आपको एक दिन छोड़ के एक दिन इस अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाता है। साथ में कुछ मेडिसिन्स भी दी जाती हैं स्टार्टिंग में। अगर फॉलिकल मॉनिटरिंग 2-3 महीने तक करवा लिए और आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो कुछ इंजेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, एग की ग्रोथ को हेल्प करता है वो। बट मुझे फॉलिकल मॉनिटरिंग कराते कराते लगभग 1.5 साल कंप्लीट हो गया था, फिर भी मुझे कंसीव नहीं हुआ था। तो अदर जो टेस्ट थे जैसे मेरे पार्टनर के सीमन एनालिसिस था तो वो भी किया गया, वो भी बिल्कुल नॉर्मल था, कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। डॉक्टर खुद हैरान थे कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट मैं उनको एक चीज़ हमेशा कंसिडर करती थी कि जो मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है और उसमें मुझे मेडिसिन और कभी कभी इंजेक्शंस भी लगवाने पड़ते हैं। मैंने उनको मैं हमेशा डॉक्टर को ये चीज़ बताती थी, तो उनका था कि ये चीज़ नॉर्मल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे करते करते जब फॉलिकल मॉनिटरिंग का हुआ तो 1.5 साल तक मैंने करवाया है, बीच में मंथ स्किप भी किए लगातार नहीं। फिर डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि आप IUI ट्रीटमेंट एक बार करा के देखिए, हो सकता है उससे आपको कंसीव हो जाए, और वो बहुत ही इजी प्रोसेस होता है, तो और थोड़ा सा कॉस्टली होता है बट बहुत इजी प्रोसेस होता है। तो फिर हमने सोचा कि हम उसकी तरफ जाते हैं, तो हमने IUI का ट्रीटमेंट करवाया। हमने 2 बार IUI का ट्रीटमेंट करवाया, फिर उससे भी रिजल्ट नहीं आया कुछ भी। तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने हमें HSG एक्सरे और स्टेरो लेट्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में हमें डिटेल में बताया, समझाया, और उन्होंने हमारे सामने ऑप्शन रखा कि आप क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। एक्चुअली जो HSG एक्सरे होता है वो बहुत ही कम कॉस्ट में होता है, उसमें फुल जो इंटरनल पार्ट है जो बच्चेदानी है उसकी फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, उसकी सिर्फ ट्यूब्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो ओपन है या नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस ट्यूब्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बट जो हिस्टेरोलेट्रोस्कोपी सर्जरी होती है उसमें कंप्लीट आपके बच्चेदानी को अंदर से पूरा चेकआउट किया जाता है, तो उसमें आपको फुल डिटेल मिलती है। बट वो एक सर्जरी होती है, उसकी कॉस्ट भी थोड़ी हाई होती है और वो थोड़ा पेनफुल होता है कंपेयर टू HSG एक्सरे। तो मेरा कंसर्न था कि मैं HSG एक्सरे ही करवाऊंगी, मैं सर्जरी के नाम से ही बहुत डरती हूँ, तो मैंने सर्जरी के लिए मना कर दिया। HSG जो एक्सरे हुआ मेरा, तो उसके लिए भी मैंने डिटेल में अपने डॉक्टर से पूरा बात किया था कैसे क्या किया जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने मेरा पूरा ट्रीटमेंट किया। और HSG एक्सरे के जो मेरी जर्नी रही है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर वो जानना है तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो लाऊंगी। तो वो जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ तो उसमें भी मेरा जो रिज़ल्ट था वो सब पॉजिटिव था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था, बहुत ही सही था। तो फिर डॉक्टर हैरान थे कि फिर प्रेगनेंसी गेन नहीं होने का कारण क्या है। ठीक है, कंसीव नहीं हो रहा है, बस इतना ही हमें पता था। तो डॉक्टर ने फिर ये सजेस्ट किया कि आपका एक्सरे भी सब कंप्लीट है, सब अच्छा है, तो एक बार फिर से फॉलिकल मॉनिटरिंग पर ही चलते हैं, हो सकता है इस बार कंसीव हो जाए। आप स्ट्रेस भी नहीं लेते हैं, एक्सरसाइज भी अच्छे से करते हैं, डाइट अच्छी है, आपका वेट सही जा रहा है, आपको थायराइड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबिन है वो आपका परफेक्ट है, बाकी जो हार्मोन्स हैं वो भी आपके सब सही हैं। तो फिर से हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की तरफ बढ़ गए, और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग फिर से हमने 6 मंथ तक करवाया, बट उससे कोई रिजल्ट नहीं निकला। तब डॉक्टर ने बोला कि आप अब सिर्फ एक बार ही और IUI करा सकते, क्योंकि आप 2 बार IUI करा चुके हैं। तो वो मेनली उनका सजेशन था कि नॉर्मली हम कपल्स को सिर्फ 3 बार IUI कराने का ही सजेशन देते हैं, उससे ज़्यादा का हम सजेशन नहीं देते हैं। तो मुझे IUI नहीं कराना था, तो फिर हम डॉक्टर के यहाँ पर गए ही नहीं बहुत टाइम तक। फिर एक बार जब हमने डॉक्टर से जाके फिर से कंसर्न किया कि अब क्या कर सकते हैं इसके आगे, क्योंकि सारी जो प्रोसेस है, सारे जो टेस्ट वगैरह हैं वो हम करा चुके हैं, सब
कुछ सही है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है और सारे जो ट्रीटमेंट है वो हम करा चुके हैं। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हिस्टोलेट्रोस्कोपी सर्जरी है वो ही आपको कराना पड़ेगा, उसी से डिटेल में आपके अगर कुछ बारीकी से कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो हम डिटेल में पता कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका ट्रीटमेंट आगे चलेगा। तो ये जो सर्जरी होती है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो वहाँ पर देख के और वहीं की वहीं उसको ठीक भी कर देते उसी सर्जरी के अंदर। तो मैं सर्जरी के नाम से बहुत डरती हूँ, तो मेरा ये था कि मुझे सर्जरी तो नहीं करानी है चाहे कुछ भी हो जाए। तो और तो फिर मैंने ये बोला कि मुझे सर्जरी तो नहीं करानी है बट IVF कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने ये कहा कि विदाउट इस सर्जरी के IVF सजेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि IVF बहुत लेंथी और कॉस्टली प्रोसेस होती है। अगर मान लीजिए आपके अंदरूनी पार्ट्स में कुछ दिक्कत है जो कि इस सर्जरी से डिटेक्ट हो सकती है बट आपने ये सर्जरी नहीं कराई है तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो जो IVF है वो भी फेल ही होने वाला है, उसका भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा नहीं। तो उनका ये सजेशन था अगर आपको IVF पे जाना भी है तो आपको एक बार ये जो सर्जरी है वो आपको करानी ही पड़ेगी। तो मैंने क्लियर मना कर दिया था कि मुझे ये सर्जरी नहीं करानी है। नॉर्मल मैंने अपने पार्टनर से बात करी और तो मैंने उनसे ये बोला कि मैं दोबारा अपनी जॉब स्टार्ट करना चाहती हूँ और अब इस चीज़ में अब नॉर्मली चीज़ होगी तब का तब देखेंगे, तो अभी इस चीज़ को अपने स्टॉप करते हैं, जॉब की तरफ ध्यान देती हूँ। ये बोल के उन्होंने भी एग्री किया, उन्होंने ठीक है आप जॉब के लिए अप्लाई कीजिए और जॉब कीजिए नो प्रॉब्लम। तो ये टाइम था December 2021 का और तब मैं जॉब इंटरव्यूज़ दे रही थी और उसमें सेलेक्ट भी हो गई थी। 60 डेज़ के लिए मैंने उनसे बोला कि मैं 60 डेज़ के बाद जॉब ज्वाइन कर सकती हूँ। 1 मार्च से मुझे जॉब ज्वाइन करना था कि जनवरी और फरवरी में मेरे बहुत ही खास रिलेटिव्स फैमिली मेम्बर्स की शादी थी जो कि मुझे अटेंड करना ही था। मेन जो वहाँ पर वर्क था वो मुझे ही संभालना था। तो मैं बहुत खुश थी कि हाँ ठीक है अब मुझे आगे जॉब करना है और जो चीज़ चाह रहे थे अगर नहीं भी हो पाए तो फ्यूचर में जब होनी होगी तो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं। तो वो सब हमने डॉक्टर से कंसिडर कर लिया कि किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ चेकअप हो चुका था। तो ठीक है हम हैप्पी रहना चाह रहे थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो ही जाते हैं। एटलीस्ट हम लास्ट 4 ईयर्स से ये सब किए जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग तो हो ही गया था। तो एक नए सिरे से एक नई शुरुआत हमें करनी थी। तो फिर मैंने अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया था, वहाँ पर मेरी जॉब भी लग गई थी। तो 1 मार्च से मुझे वहाँ पर ज्वाइन करना था। तो लास्ट 25 December 2021 को मैं मेरे होम टाउन आ गई, शादी की प्रिपरेशन चालू हो चुकी थी तो वो सब करने में स्टार्ट थे। तो जनवरी की जो शादी थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी और फिर उसके बाद में मैं मायके में गई, वहाँ पर मुझे एक शादी अटेंड करनी थी। तो जब मैं फरवरी में अपने मायके में थी तब मुझे गुड न्यूज़ मिली कि आई एम प्रेग्नेंट। तो ये बहुत ही खुशी की चीज़ थी मेरे लिए, बट हमने किसी को भी नहीं बताया था इस बारे में। और मेरा भी नॉर्मली यही था कि हाँ ठीक है प्रेगनेंसी है तो देन ओके शादी निमट जाती है, फिर मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी और फिर नॉर्मल जो मुझे मेरे वर्कप्लेस जाना है वहाँ पर बात करूँगी, उस अकॉर्डिंग मुझे आगे दोनों चीज़ें चलानी है। बट जैसे ही शादी कंप्लीट हुई तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी और प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता है नॉर्मली, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी थी। तो मेरी मम्मा ने बोला कि ठीक है एक बार डॉक्टर को दिखा के आओ कि क्या प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग फेज ही था, स्टार्टिंग के 6 डेज ही थे जब मुझे पता चला था, तो उसी टाइम पे फिर हम डॉक्टर के पास गए दिखाने के लिए। तो उनका कहना था कि जो मेरे साथ फर्स्ट प्रेगनेंसी में हुआ था उनका वही कहना था कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है और देखते हैं नेक्स्ट वीक अगर हार्ट बीट आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर DNC कराना पड़ेगा, ऐसा उनका कहना था। तो मेरा वही था कि फिर से वही फेस कैसे आ गया। बट मैंने उन डॉक्टर से कहा था कि आप मेरा ब्लड टेस्ट कर लीजिए, बट उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट नहीं किया, ये उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है। नहीं तो आधी चीज़ें वहाँ पर ऑलरेडी चीज़ें और समझ में आ जाती कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके बाद फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए
तो उन्होंने भी यही चीज़ कंसिडर किया कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है कि आपका बेबी ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उन्होंने मुझे कुछ इंजेक्शंस दिए थे ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए और वो काफ़ी हेल्प भी किया। बट जो घबराहट होना और जो वीकनेस फील हो रही थी वो तो होती है, बट बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उसके लिए फिर मेरी मम्मा ने एक उनकी गायनोलॉजिस्ट है जहाँ पर हमारी फैमिली के सभी लेडीज़ को दिखाया गया है, तो उनके पास मेरी मम्मा मुझे लेके गई। तो उन्होंने जो मेरे टेस्ट करे, ब्लड टेस्ट किया, थायराइड टेस्ट किया और बाकी और भी टेस्ट किए थे, तो उनसे ये चीज़ क्लियर हुई कि मुझे थायराइड है, मुझे प्रेगनेंसी वाली थायराइड हो चुकी है। इसकी वजह से मुझे इतनी घबराहट और इतना जो प्रॉब्लम हो रहा था वो हो रहा है। तो तब से मेरी थायराइड की दवाई उन्होंने स्टार्ट कर दी। बट उनका कहना था कि जो बेबी तक ब्लड फ्लो होना चाहिए वो ब्लड फ्लो बेबी तक नहीं हो रहा है। तो उनका भी यही कहना था कि बेबी ग्रोथ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये वो भी नहीं कह सकते, बट उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मे बी आपका जो ब्लड है वो बहुत ही थिक है, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है, इस वजह से वो जो नोड है उसमें फ्लो नहीं कर पा रहा है प्रॉपर। तो ब्लड थिनर के मुझे इंजेक्शंस दिए गए, उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प करी है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में। 3 मंथ्स के बाद से मेरे ब्लड थिनर के इंजेक्शन स्टार्ट कर दिए थे डॉक्टर ने, बट उन्होंने ये बोला था कि अगर मान लो इनके बाद भी अगर बेबी की ग्रोथ नहीं होती है तो मे बी पॉसिबल कि बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम काफ़ी सैड भी थे उस टाइम पे। 3 मंथ्स मेरे कंप्लीट हो चुके थे, नॉर्मली 3 मंथ्स के बाद तो प्रेगनेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है, बट मुझे बोला गया था 1 महीने और देखना पड़ेगा। तो वो टाइम मेरे लिए थोड़ा सा टिपिकल था, बट ठीक है, जर्नी है, लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उस टाइम पे अपना बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखा, डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंग ही मैंने काम किया सब, और मुझे इंजेक्शन्स लगते थे, हाथों पे इंजेक्शन लगते थे, कभी इस पे कभी इस पे ब्लड थिनर के इंजेक्शन लगते थे। फिर जब 4th मंथ के बाद मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि हाँ जो ब्लड थिनर के इंजेक्शन्स हैं उन्होंने काम किया है, बेबी की ग्रोथ हो रही है अच्छे से। तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि हाँ अब प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, आप अब आप बोल सकते हो कि यस यू आर प्रेग्नेंट। मैं बहुत खुश थी, मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे। तो ठीक है, फिर इनका कि अब जो नॉर्मल रूटीन से आपका चेकअप होगा वही होगा और जो टेस्ट होते हैं बेबीज़ के वो टाइम टू टाइम होते रहे। 8 मंथ्स मेरे कंप्लीट हो गए, उसके बाद नॉर्मली 8 मंथ कंप्लीट ही हुआ था, तो उसके बाद ही ऑपरेशन के थ्रू मेरी बेबी हुई थी। एंड नाउ दिस टाइम आई एम सो हैप्पी। मैंने उस टाइम पे जो एफर्ट डाले, जो डॉक्टर्स ने एफर्ट डाले वो बहुत ही अच्छे रहे और उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। आज मेरी 1 साल की बेबी है और आई एम सो हैप्पी विद हर, और बहुत ही एक अच्छी फीलिंग आती है और कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा अप हो जाता है। ये थी मेरी प्रेगनेंसी गेन करने की जर्नी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे इसी टाइप के मैं वीडियोस लाती रहूँगी। इससे पहली वाली जो मेरी वीडियो मैंने अपलोड करी थी वो थी स्टेप्स बाय स्टेप कैसे आपको कंसीव करने के लिए ट्राई करना चाहिए, एकदम से एक बड़ी स्टेप्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। उसमें जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, अगर उन स्टेप के बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, मैं उस पर भी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।